मुझे मैकेनिक नहीं मिला उधर भी, वो पीछे बैठा हुआ है, गाड़ी खड़ी थी पता नहीं चला, मैकेनिक मिल गया, अब उसे चेन टाइट करवा लें। क्योंकि सफ़र अभी काफ़ी लंबा पड़ा हुआ है, ये ना हो गए चेन टाइट ना होने की वजह से अपना उल्टा नुकसान करा बैठे। चल फाइनली एक होटल मिला है, इधर चलते हैं नाश्ता करते हैं और फिर आगे सफ़र कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। हमें टेबल कोई नहीं फ्री, टेबल कितने बंदे हो? एक बंदे ये कुर्सी लगवा देंगे कपड़ा सीधे मुझे दे। चले नाश्ता करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। और बाकी ये भाई मिले हैं अभी लाहौर के, और लाहौर क्या बिल्कुल घर के पास के हैं, मैच बुर्जी और ये समनाबाद, लेकिन इनका रतिगली का प्लान नहीं है, इनका आगे केल और दूसरा तौबट का। तो मेरा तो फिलहाल पहले रतिगली है, रतिगली के बाद इंशाल्लाह फिर अगला टाइम मिलेगा तो पॉइंट्स कवर करेंगे। बाकी अब इनके साथ चलते हैं, नीलम तक तो साथ ही हैं, नीलम तक अब इनके साथ साथ चलते रहते हैं। फाइनली फर्स्ट वाटरफॉल इन कश्मीर, दो तीन छोटी छोटी सी हैं, लोग बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। आगे चलते हैं और जाके इससे बड़ी बड़ी वाटरफॉल देखते हैं। ये फिर कोई छोटा सा कस्बा आया, लोगों ने गंदम की फसल लगाई हुई है, थोड़े थोड़े पहाड़ काट के गंदम की फसल लगा के बैठे हैं। और यहाँ पे ज़मीन तो वैसे मिलनी नहीं है, जिसने जो भी लगाना है वो पहाड़ तराश के उसके ऊपर ही लगा रहा है। ये ऊपर लगता रहाइश है, ये देखे मेरे आगे दिल जवान नौजवान जा रहा है, 70 के ऊपर है और लाहौर का नंबर है। बाकी पूछते हैं, वो लाहौर पंजाब दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, पूछते हैं लाहौर से आ रहे हैं। पूरे घर का सामान रखा हुआ है, सिलेंडर, बर्तन, चम्मच, फ्राई पैन, कैंप, पेट्रोल की बोतल, हर चीज़ एक 70 के ऊपर रख के ले कर जा रहे हैं। बाकी भाई से पूछते हैं, भाईजान किधर से हैं? भाईजान लाहौर से? पिशावर से। बाइक लाहौर की रखी हुई है? नहीं यार सॉरी, लाहौर से नहीं है भाई, पिशावर से है। मैंने कहा बाइक लाहौर की रखी हुई है। चलो जी, भाई पेशावर से हैं, देखिए सारा सामान बाइक के ऊपर रखा हुआ है। पेशावर से भी बहुत लंबा सफ़र है, पेशावर से कौन सा थोड़ा डिस्टेंस बनता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है पेशावर का भी। हिम्मत है यार भाई की,
चले जी, दो मिनट यहाँ पे स्टे करते हैं। वो छोटा सा चश्मा आ रहा है, वहाँ से पानी भरते हैं और कैमरे की बैटरी चेंज करते हैं, साथ दूसरी बैटरी चार्जिंग पे लगाते हैं क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बैटरी इस्तेमाल होने वाली है रत्ती गली में। अभी तो हम आराम सुकून के साथ जाएंगे और सफ़र अपना कंटिन्यू रखते हैं। बैटरियां बाकी भी दोनों फुल चार्ज हैं, लेकिन जो इस्तेमाल हो रही है इसको साथ साथ चार्ज कर लेते हैं। चले जी, फाइनली बोतल में पानी भी भर लिया और घर बात भी हो गई है, लोकेशन वगैरह सेंड कर दी है क्योंकि अगर नीलम के पास जाके सुना कि इधर से फिर ये सिम बंद हो जाएगी, फिर वो एसकॉम जो दूसरी हैं वो मिलती हैं, ईद का दिन अगर मिल गई तो सो बिस्मिल्लाह, नहीं मिले तो फिर देखते हैं क्या होता है। अब दोबारा सामान वगैरह पहनते हैं और सफ़र दोबारा कंटिन्यू करते हैं। बादल माशाल्लाह फुल टुका आगे निकले हुए हैं, कुछ भी पता नहीं जब मर्जी बारिश शुरू हो जाए। बाकी मैंने बैटरी लगा तो ली है, ओके चार्ज हो रही है, मगर बैटरी चार्ज हो जाए। ये मैंने गद्दी के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं, पानी ठंडा बहुत ज़्यादा पिया नहीं जा रहा क्योंकि चश्मे का पानी है, इसलिए इसको इसके नीचे रखा हुआ है और ये गर्म हो जाएगा तो फिर पियेंगे। बाकी चलें दोबारा सफ़र कंटिन्यू करते हैं, मुझे सिर्फ बैटरी की टेंशन है कि बैटरी ना हिल जाए कहीं, पर हो रही है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ओ तेरी हमज़ा की दरवेशाली है रे। चले जी माशाल्लाह, पानी पुनी पी के फ्रेश हो के दोबारा सफ़र कंटिन्यू। बस कैमरे की बैटरी थी फुल होनी चाहिए, वो ख़त्म होनी चाहिए, मैं उल्टा बोल गया। और इंशाल्लाह आगे नीलम जा के देखता हूँ कहीं मोबाइल शॉप मिल जाए, वहाँ से दोबारा एक और कार्ड खरीदते हैं और ताकि जितना अच्छा हो सके उतना ज़्यादा डाटा यहाँ से कलेक्ट करके लेके चलते हैं। बाकी इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए पर आप लोग ज़रा भी साथ नहीं दे रहे, वीडियो को वैसे देख लेते हैं, लाइक सब्सक्राइब कोई चक्कर ही नहीं, लाजमी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें, इससे हौसला अफजाई होती है और मेहनत करने को दिल करता है। मेरे कई दोस्तों ने बोला, कहता यार अभी 500 सब्सक्राइबर हुए हैं और तो 85,000 रुपये का कैमरा ले आया। मैंने कहा यार मुझे शौक है, बाकी ये मस्जिद है शहदा, ये आर्मी की लगता है कि यूनिट है जिसने यहाँ पे स्टे किया हुआ है। ये लोगों के घर नीचे लोगों ने गंदम की फसल लगाई हुई है।
बादल चेक करें, बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं। अगर कहीं बारिश स्टार्ट होती है तो प्रॉब्लम होगी कि मुझे सारा बरसाती वगैरह पहननी पड़ेगी और कैमरा मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता फिर। कोई नहीं, फिर कैमरा जैक अपलोड जिसके साथ अटैच करके फिर यूज़ करेंगे, फिर मैं आपको साथ बातें नहीं कर सकता क्योंकि उस जब माइक अडॉप्टर साथ अटैच करते हैं तो कैमरा वाटरप्रूफ नहीं रहता, उसके बगैर कैमरा वाटरप्रूफ है। और रात की कैंपिंग भी मेरे ख्याल है काफ़ी मुश्किल होने वाली है क्योंकि बादल देख के लगता है कि इधर भी रात को बारिश लाजमी होगी। वाओ वाटरफॉल, बहुत ही प्यारी वाटरफॉल है, लेकिन पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है, इस वजह से कुछ और ही नज़र आ रहा है। और ये हमारे समनाबाद वाले भाई हैं, रुक रुक के आ रहे हैं, मैं 3-4 बाइक्स के ऊपर है। बाकी वो आगे आगे, ये क्रिकेट हो रही है नीचे, क्या ग्राउंड है यार। अगर नीचे पहाड़ के नीचे बॉल चली जाए फिर तो ये जिसकी उस साइड पे फील्डिंग होगी बेचारे की मत बच जाती होगी। ये सारे अखरोट तकरीबन कच्चे ही हैं अभी सारे, अभी फसल तैयार नहीं, अखरोट काफ़ी ज़्यादा मकदार में लगा हुआ है। दरिया बहुत तेज़ पानी बह रहा है, ये इन्होंने दीवार की हुई है, पता नहीं क्यों शायद पर्दा रखा हुआ है उनसे अपना इंडिया वाली साइड से, ना कोई प्रॉब्लम होती होगी जो उन्होंने ये दीवार की हुई है। वरना इस तरह बनता तो नहीं दीवार करना, उनका पूरे रास्ते में कहीं भी नहीं है, बस इतने पोर्शन में उन्होंने दीवार लगा स्टार्ट कर दी है। हो सकता है इनका कोई प्रॉब्लम हो बॉर्डर इनका आपस में कोई इस एरिया के अंदर, ये ऊपर सारे के सारे फलदार दरख्त लगे हुए हैं जिसमें मुझे ज़्यादातर नज़र आ रहा है वो अखरोट ही है। साइड पे लगा के अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है सर, किधर से आ रहे हैं? पेशावर से। अच्छा पेशावर से, किधर जा रहे हैं? हम अब जा रहे हैं आगे, क्या नाम है, रत्ती गली या तौबट? रत्ती गली जा रहे हैं। रत्ती गली कहना है, आज ही जाएंगे कल जाएंगे? आज पहुंच गए? नहीं रत्ती गली तो पहुंच गए, ऊपर जाएंगे, रास्ता बंद है तो सुबह सुबह उठ के अपना जाएंगे ऊपर। चलो आपकी क्या कैंपिंग है या होटल है? नहीं हमारे पास कैंप है, तो मेरा भी कैंप ही है, तो कहाँ पे लगाना है आपने? क्या अभी जगह ढूंढनी है हमें, जहाँ हमें मिलेगी तो हम वही लगाएंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है मगरिब होने में, क्योंकि और आसपास पॉइंट कोई नहीं बंदा वही देखा ही जाके थोड़ी देर तक। यहाँ तो यार हमारी खुशी हुई कि हम पहुँच जाए वहाँ पे, रतिकली तो पहुँच गए, बस थोड़ा सा फासला रहा यार, वही पहुँचेंगे फिर वहीं से क्या चेक करेंगे। हाँ मेरा भी यही है कि मगर एक दफ़ा वो गए पीछे स्टे करते रहे नीलम, तो सुबह सुबह दोबारा फिर वैसे इतना सफ़र करना पड़ना था। हम तो क्योंकि हमारा टारगेट आपके हाल वही है ना, वही पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आपका टारगेट बस रत्ती गली है? मेरा भी फिलहाल बेसिकली वही है, लेकिन वापस आके मैं अगर दिन बच गया ना तो फिर आगे केल और तौबट देखेंगे, नहीं तो फिर रत्ती गली करके वापसी। चलें फिर आपके साथ ही चलते हैं, क्योंकि मैंने भी कैंप लगाना ऊपर, मैंने जाना ऊपर ही है रत्ती गली, क्योंकि
क्योंकि हमारा फिलहाल इस तरह कोई वो नहीं है ना, क्योंकि हम तो फिलहाल वही जाएंगे ना। ठीक हो गया। रतिकल ने कितना फासला पता है कोई? फासला तो बहुत है, मेरे ख्याल से कोई 3-2 घंटे रास्ता है उसका। अभी भी 3 घंटे? हाँ मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ से हमने चेक किया था, हमने पूछा। चले, मैंने तो मेरा ख्याल गया था, वो बेचारा बंदा कहता कि 25 किलोमीटर फासला है सिर्फ नीलम से। अगर तो इतना ज़्यादा भी पड़ा हुआ है तो फिर चलते हैं आराम से उनके साथ जाके उधर ही, मतलब फिर अगर हमें अभी 11 बज गए हैं, 2 बज जाएंगे जाते जाते तकरीबन। चले रतिकली, मेरा भी अगर मगर रतिकली कैंप लगा लेंगे, सुबह उठ के फ्रेश फ्रेश आराम के साथ दोपहर ट्रैकिंग करके शाम हम पहुँच जाए, पहुँच। चले मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है चलो जी। ये पेशावर के भाई मिले हैं, वो कह रहे हैं कि 2-3 घंटे का फासला यार अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला फासला नहीं चुपता। व्यू देखे ना यार, मज़ेदार। दूसरी तरफ अपना हमसाया मुल्क है, इस साइड भी हम हैं, ऊपर से ये कुदरत के नज़ारे हैं, बस बारिश ना हो बाकी यही नज़ारे हैं। चलो जी, फाइनली एक मोबाइल की शॉप मिली है, यहाँ से एसजी कार्ड पता करते हैं और साथ एसकॉम की सिम पता करते हैं, अगर मिल गई तो ले लेते हैं। चल बाकी अपनी बैटरी चेक करें, मैंने काफ़ी देर की लगाई हुई है, हो भी रही है नहीं। ओ तेरी, मैंने चाबी तोड़ ली है। चले जी, हो रही है अभी तक, ये चार्ज होती रहे वो अब तक हम इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, सर सिम मिल जाएगी इसको और मेमोरी कार्ड 128 GB कहीं से भी आ गया अवेल हो सकता है, मिल जाएगा आगे, और सिम दे दीजिएगा एक। क्या प्राइस है? 220 महंगी हो गई है। चले दे दें, मैंने 150 की ली है पिछले साल तो लेकिन वो इलाका चेंज था, वैसे भी पुराना गिलगित से ली थी वो। जीरो थ्री कहाँ से आ रही? लाहौर। लाहौर से चैनल है? जी जी चैनल है, घूम लो पाकिस्तान। पाकिस्तान जी। अल्लाह करे सिम हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 6 सिमें नाम है, हो सकती है, कोई मसला ही नहीं। मैं पेमेंट पकड़ लूँ, आप सिम करें। चले जी, एक चीज़ हमारी फाइनल हुई, सिम हमें मिल चुकी है फाइनली, तो अब हम चलते हैं। इसमें बैलेंस भी तो करवाना है ना यारा, ये वो थोड़ी है कि एक सिम लोगे साथ इतना डाटा फ्री हो, साथ वो फ्री हो, साथ वो फ्री। इधर हर चीज़ का पैसा लगता है बाबू। मेमोरी कार्ड नहीं मिला, मेमोरी कार्ड इंशाल्लाह हम आगे से जाकर ट्राई करते हैं। वाह, नोलिंग वाले इधर भी पहुँचे हुए हैं। सर, इसका अपना कोई पैकेज वगैरह दिया होता है उन्होंने नई सिम लेने का? चले फाइनली सिम हमने ले ली है, मेमोरी कार्ड हमें नहीं मिला, इंशाल्लाह आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि आगे आपको मिल जाएगा, आगे जाके अब मेमोरी कार्ड दोबारा ढूंढते हैं, क्योंकि मेमोरी कार्ड के बगैर गुजारा नहीं है।